अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसके। तो हम स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशन कर रहे थे, सीख रहे थे, और का और ए की ट्रेसिंग के बाद हम नेक्स्ट लेटर जो करेंगे वो है ओ। ट्रेस राइट एंड ड्रॉ। तो यहाँ पे हम ओ की ट्रेसिंग करेंगे फर्स्ट, देन इस तरह से लिखना सीखेंगे, और उसके बाद ओ से स्टार्ट होने वाली कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ऑरेंज ड्रॉ किया है मेरे बेटे ने, तो इसी तरह आप भी अपने बेटे को खुद ड्रॉ करने दें अपने बच्चे को। यहाँ पे ट्रेस राइट एंड सर्कल द पिक्चर दैट बिगिंस विद ओ। तो यहाँ ओ की ट्रेसिंग, राइटिंग और उसके बाद सर्कल करेंगे ओ से शुरू होने वाली चीज को। ट्रेस राइट सर्कल ड्रॉ कलर, ये वर्ड्स जो होते हैं ये आपके बच्चे को पढ़ने आने चाहिए, और इसके लिए हम बनाते हैं फ्लैश कार्ड्स। और किस तरह ये बच्चे को सिखाते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। उनको सिर्फ देख के, साइट वर्ड्स होते हैं ये, इनको सिर्फ देख के बच्चे को पहचान होनी चाहिए ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसकी ट्रेसिंग। यू कैन सी द डॉट एंड द एरो, सो आई विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, गो बैक, टर्न, कम डाउन, मेक अ कर्व फर्स्ट, देन गो अप अगेन, टच द डॉट एंड स्टॉप। This is how we will trace O. Again, I will choose an other crayon and start from the dot, go back, make a curve first, then go up, touch the dot and stop. इस तरह से आप बोल बोल के बच्चे को सिखाएंगे ट्रेसिंग करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने डायरेक्शनल वर्ड्स सिखाए हैं अपने बच्चे को कि वो रीड कर सके। हम जो भी पढ़ते हैं, नया नंबर हो या नई शेप हो, वो इस तरह दीवार पे भी स्टिक कर देते हैं ताकि सारा दिन हम उसको बार बार खाते पीते, बच्चे से पूछते रहें कि क्या चीज़ आज पढ़ी थी। अब कलर्स नेम तो ये देख के बता देता है जो भी कलर हो कि कौन सा कलर है, लेकिन रेड कलर मैंने इसे सिखाया है कि वो रेड कलर पढ़ लेता है अगर लिखा हुआ हो कहीं। इसी तरह सर्कल भी सिखाया है कि सर्कल जो नेम है वो ये पढ़ ले। अब ये ORT रीडर हमने शुरू किया है, उसके भी इसी तरह फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं क्योंकि ये साइट वर्ड्स होते हैं, इनको इसी तरह बच्चे को पढ़ाते हैं, इनकी भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। तो चलिए वो डायरेक्शनल वर्ड्स मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह कार्ड आप कोई भी बना सकते हैं, ये तो स्कूल में बनवाया था तो मैंने यहाँ वही लगा दिए। तो इस तरह जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आजकल मैथ एंड इंग्लिश में वो सब मैंने यहाँ लिखे हैं। कलर, ट्रेस, इस तरह आप किसी भी टाइम बच्चे से दिन में 2 से 3 दफ़ा पूछ सकते हैं कि ये ज़रा वर्ड बताओ। बार बार पढ़ने से 1-2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन ये बच्चा देख के पढ़ना शुरू हो जाएगा। मोर, तो ये हैं वो वर्ड्स, डायरेक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं, और इनको इस तरह हम फ्लैश कार्ड्स के जरिए याद करवाते हैं। देख देख के, देख देख के बच्चे को ये पढ़ने आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।